नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं नए संसद भवन के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने भूमि पूजन के अवसर पर बोलते हुए कहा कि आज़ादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह जताया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुराने भवन में देश की आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गवाह बनाएगा। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि नया संसद कितना बड़ा होगा और क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी और यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और जो पुराना संसद है उसका क्या होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सरकार और अधिकारियों के मुताबिक संसद के बढ़ते काम के कारण एक नए इमारत के निर्माण की जरूरत महसूस की गई। अभी का संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था, जो लगभग 100 वर्ष पुराना है और उसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है, इसलिए नए संसद भवन को बनाया जा रहा है। तो अब बात आती है कि कब तक तैयार हो जाएगी ये नई इमारत। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नया संसद भवन अक्टूबर 2022 तक बन जाएगा। काम दिसंबर 2020 में शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है, परंतु मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि इसके निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कोर्ट ने अभी केवल आधारशिला रखने की इजाज़त दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया है कि इससे संबंधित याचिकाओं पर जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देती तब तक सरकार किसी भी तरह के निर्माण या तोड़फोड़ का काम नहीं करेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नए संसद भवन के निर्माण पर कितना खर्च होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की नई इमारत बनाने की लागत लगभग 971 करोड़ रुपए होगी। नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। उसने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह ठेका हासिल किया था। इस प्रोजेक्ट का नक्शा गुजरात स्थित एक SCP डिजाइंस ने तैयार किया है। नया संसद भवन कितना बड़ा होगा? अधिकारियों के मुताबिक संसद के नए भवन में निचले सदन लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नई इमारत में लोकसभा भूतल में होगी, वहीं उच्च सदन राज्यसभा के 384 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे। ऐसा भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत में अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में होगा। यह मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। मंत्रालय के अनुसार नया संसद भवन अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त होगा। सोलर सिस्टम से ऊर्जा बचत भी होगी। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की नई इमारत सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। नए भवन की सज्जा में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिला जुला स्वरूप होगा। तो अब बात आती है कि मौजूदा संसद भवन का क्या होगा। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। 566 मीटर व्यास वाले संसद भवन का निर्माण साल 1921 में शुरू हुआ था। यह 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। ब्रिटिश काल के इस संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। चलिए अब मैं साथ में आपको बता देता हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं। राष्ट्रीय भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका इसके अंतर्गत आता है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रीय भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर आता है। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स,
उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रिनोवेट करने की योजना को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी नए संसद भवन से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।